नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, यस बैंक अब अपने फुल फॉर्म में आता हुआ नज़र आ रहा है और यस बैंक ने अनाउंसमेंट की है कुछ ऐसी ही कि यस बैंक को होने वाला है इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा। और वहीं दोस्तों, इनका जो विजन है उसको भी साफ और क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, यस बैंक की अगर हम बात करें तो यस बैंक देखिए एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसकी तरफ रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और वहीं पर यस बैंक ने आप कुछ ऐसी अनाउंसमेंट भी किए हैं जो आप देखेंगे। फ्राइडे को भी आपको स्टॉक में काफी अच्छा मूव देखने के लिए मिला, जहां ओपन स्टॉक निचले स्तर पर हुआ अपने प्रीवियस क्लोज से, लेकिन बाद में बहुत अच्छी रिकवरी होती हुई नज़र आई और उन्होंने कुछ स्पेशल ऑफर भी दिए हैं। तो यहां पर क्या है पूरा मामला इसको हम देख लेते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो HSBC ने क्या करा है, लोन के रेट में कम किया है। तो वहीं यस बैंक ने भी उस फाइट में एंटर करते हुए अपने प्राइस में कटौती की है और वहीं लोन 6.7% की रेट पर देते हुए नजर आ रहे हैं। होम लोन की हम बात कर रहे हैं और आप ये जानती हैं अब फेस्टिवल आने वाला है, खासकर दीपावली के टाइम पर आपको पता ही होगा ज़्यादातर लोग होम खरीदने में, मतलब कि घर खरीदने में या फिर सोना चांदी ऐसी ही चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं पर इन्होंने स्पेशल बेनिफिट दिया है वुमेंस के लिए जो काम करती हैं, नौकरी पेशा वाली वुमेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इनके लिए इन्होंने 0.5% की और कटौती की है। मतलब कि वहाँ पर लोन मिलेगा 6.65% पर वुमेंस के लिए लोन दिया जाएगा। तो यहाँ से यस बैंक एक अच्छा मूव करते हुए नज़र आया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम पहले कहा था, अगर आपको याद होगा दोस्तों, इन्होंने कहा था, इनके CEO ने, कि हम रिटेल जो लोन लेने वाले हैं, छोटे कारोबारी या फिर छोटे लोग लोन लेंगे, हम उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उसी वजह से आप देखेंगे उस विजन की तरफ साफ साफ यस बैंक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे इनका रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है और प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। उसका रीज़न क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे, आपको पता ही है जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा पैसा लेकर के भाग गए, लेकिन जब छोटा कोई आदमी लोन लेता है किसी भी बैंक से तो वो उस लोन को चुकाता है और बैंक को ज़्यादा लॉस नहीं होता है। वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं डिफ़ॉल्ट के, क्योंकि छोटा आदमी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है और दूसरों की बातें सुनना भी पसंद नहीं करता है कि कोई उससे बोले कि आपने पैसा नहीं दिया। तो इसी वजह से ये रिटेल जो लोन लेने वाले हैं छोटे कारोबारी, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इससे बैंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अगर बात करें कंपटीशन में, तो सबसे कम लोन्स में से ये दूसरे नंबर पर यस बैंक आपको इस समय मिल जाएगा। तो इससे हमें साफ नज़र आ रहा है कि यस बैंक अब बहुत तगड़ी फाइट के लिए तैयार है और फ्यूचर में यस बैंक आपको बेहतरीन रिटर्न भी निकाल के देगा। बेशक दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिनों का आप चार्ट देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट है, ग्रीन नहीं रेड दिखाई दे रहा है। और वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक ने जरूर आपको एक अच्छा रिटर्न दिया है 15% का। और वहीं पिछले 6 महीने में अगर देखेंगे तो फिर से लॉस, क्योंकि यस बैंक का स्टॉक को चलता ही ऐसे ही है। तो यस बैंक की अगर हम बात करें तो ये आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जिस तरह से बैंक का विजन है उस हिसाब से आपको बेहतरीन रिटर्न यहां मिलने की पूरी गुंजाइश देखने को मिलती है। अभी अगर हम स्टॉक की बात करें, अगर ऐसे हमें अच्छी अच्छी चीजें यस बैंक में देखने को मिल जाए तो आप 14 रुपीज तक जा सकते हैं इसमें होल्ड करने के लिए। और वहीं इसके ऊपर के टारगेट अभी थोड़ा हमें दूर नजर आ रहे हैं। और वहीं 12 रुपए का जो लेवल है वहां तक आप इसमें अपना स्टॉप लॉस भी लेकर के चल सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग के तौर से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज आप इसको होल्ड कर लीजिए लंबे समय के लिए, कम से कम 2 से 3 साल के लिए इसे होल्ड कीजिए, क्योंकि तब तक बैंक वापस एक फाइटिंग कंडीशन में आपको रेडी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों।